हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश में, और ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत जगह है, और खूबसूरत के साथ साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर तकरीबन 20 से भी ज़्यादा एडवेंचर की चीज़ें होती हैं। इस वक्त मैं अपने होटल के रूम में बैठा हुआ हूँ, अभी मैं यहाँ से बाहर नहीं गया, और बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से मैं बाहर जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ ऋषिकेश कितना खूबसूरत है और यहाँ पर एडवेंचर क्या क्या होते हैं। अभी मैं एक अभी हमने यहाँ पर होटल में रूम लिया है, और रूम आप देख सकते हैं, ये होटल का रूम है इस वक्त। और ऋषिकेश के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ऋषिकेश जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, खूबसूरत भी बहुत है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एडवेंचर की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जैसे कि बंजी जंपिंग यहाँ पर होती है, जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग जो है वो ऋषिकेश में मौजूद है। तो मैं आपको अभी वो सारी जगह कवर कराऊंगा और आप सभी को सारी जगह दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं और एडवेंचर की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। हालांकि आसपास ही हैं ये सारी चीज़ें, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से ऋषिकेश में आना चाहिए, कहाँ पर ठहरना चाहिए, कहाँ पर आपको रुकना चाहिए, कहाँ से आपको बस लेनी है, कहाँ से आपको पहुँचना है यहाँ पर, कहाँ पर किस जगह पर एडवेंचर की चीज़ें हुए हैं, किस जगह पर क्या चीज़ बनी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शिवपुरी के लिए। तपोवन से शिवपुरी तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का रास्ता है। आपको तपोवन से टैक्सी लेनी पड़ेगी, टैक्सी या फिर आप कोई भी कैब या फिर ऑटो ले सकते हैं। शिवपुरी एक बहुत ही ऊंचाई पे है इलाका, वहीं से ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं, राफ्टिंग भी वहीं से होती है। शिवपुरी से ऊंचाई एक और जगह है जहां से ऊंचाई से भी और ज़्यादा राफ्टिंग होती है, तो वहां की तरफ से भी आप राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन शिवपुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वहाँ से कर सकते हैं। यहीं से बंजी जंपिंग और स्काई राइडिंग और बहुत सारी एक्टिविटीज़ शिवपुरी से ही होती हैं। तो अगर आप आएँ तो सबसे पहले शिवपुरी जाएं। तपोवन से शिवपुरी तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, और वहीं पर आपको ज़्यादातर एडवेंचर की एक्टिविटीज़ वहीं पर आपको मिल जाएंगी। आप तपोवन से कोई भी टैक्सी भी ले सकते हैं, और आप किसी भी शॉप वाले से, वहाँ पर शॉप बनी हुई है जहाँ से आप लोग उसके लिए बुक भी कर सकते हैं, राफ्टिंग बुक भी कर सकते हैं। ये लोग आपको खुद लेकर जाएंगे और वहीं पर आपको ड्रॉप करेंगे। पीछे देख के बोले एक बार गंगे मैया की जय। की हरार फॉरवर्ड फॉरवर्ड।
आप? चलो अब नहीं चला, चला फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अरे चलाओ भैया फॉरवर्ड, रैपर लगाओ। वीडियो
रस्सी में लग जाओ। दे दो भैया रस्सी दे दो। तो भाई मैडम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? साइड में पकड़ के फ्लोर करो, सिंपल नॉट बनाओ। हाँ जाओ आगे जाओ, आगे जाते रहो। हाँ हाँ I'm going to go to the hospital.
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है दूसरा दिन। तो कल हमने मैंने रिवर राफ्टिंग करी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। और जिनके साथ मैंने करी थी उनका ये मेन्यू है, इसी के अंदर वो सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो ऋषिकेश में होती हैं वो सब कराते हैं। हालांकि कल संडे की वजह से थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था रिवर राफ्टिंग का, लेकिन बहुत अच्छा रहा। अब ये लोग जो होते हैं यहाँ से सीधा आपको तपोवन से शिवपुरी लेके आते हैं, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर हाइट पर, ऊंचाई पर। और उसके बाद में वहाँ से रिवर राफ्टिंग शुरू होती है। वहाँ से राफ्ट के ज़रिए ये लोग आपको नीचे की तरफ लेके आते हैं, गाड़ी से लेके जाएंगे, गाड़ी से आपको इनके जो सेंटर होता है वहीं पर आपको पहुँचाएँगे। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है, अब मैं जा रहा हूँ ब्रश करने, उसके बाद में चलते हैं फिर दूसरी जगह पे। तो गाइज ये जो आप रोड देख, अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताऊं कि जब आप राफ्ट बुकिंग के लिए आएँ, अगर आप ज़्यादा लोग होंगे तो ये लोग ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, और अगर आप कम लोग हैं यानी सिंगल पर्सन हैं या एक या दो लोग हैं तो ये आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते। तो मैं इस चीज़ पे आपको बताऊं, यहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं है, आप जितनी बार्गेनिंग कर सकें उतनी बार्गेनिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई फिक्स रेट नहीं है यहाँ पे, ये लोग सब अपने अपने रेटों के हिसाब से चलते हैं। तो जैसा लोग आते हैं उसी तरीके से ये लोग बार्गेनिंग करते हैं। राफ्टिंग दो तीन जगह से होती है और उसकी डिस्टेंस के हिसाब से भी होती है। एक होती है 9 किलोमीटर, स्टार्टिंग जो है वो 9 किलोमीटर से है, उसके बाद में 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, ये चार वो रहती हैं राफ्टिंग की। तो ये इसी हिसाब से चार्जेस करते हैं, लेते हैं। तो अगर आप कभी भी आएँ तो इसी तरीके से बार्गेनिंग इनसे जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी करें। तो अभी हम राम झूले की तरफ जा रहे हैं, राम झूला जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस एक प्लेस है और उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ भी जाया जाता है। अभी मैं आपको वहाँ की तरफ लेकर जा रहा हूँ, वहाँ से फिर आपको दिखाऊँगा कि राम झूला कैसा है। ये देखिए व्यू,
तो ये जो है आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त गंगा नदी के किनारे पर हूँ। इसी को गोवा बीच भी बोला जाता है यहाँ पे। और गर्मियों के टाइम पर यहाँ का पानी बिल्कुल एकदम वहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से स्नान भी करते हैं, नहाते हैं। तो ये वो गंगा का किनारा है जिसे गोवा बीच भी बोला जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से नहाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे है, जो चलने वाला रूट जो बना हुआ है वो उससे काफ़ी नीचे की तरफ दिया हुआ है ये। तो अब हम जा रहे हैं इसे गंगा बीच को क्रॉस करते हुए गोवा बीच को आगे की तरफ। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त गंगा के किनारे पर बैठा हुआ हूँ। ये देखिए ये पहाड़ हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं राफ्टिंग वहाँ से हो रही है। ये शिवपुरी से सारी राफ्टें आ रही हैं इधर से, शिवपुरी से, और यहाँ पर आगे जाकर वो एंड हो रही है। और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी धूप हो चुकी है तो थोड़ा सा मौसम बदल सा गया है थोड़ा सा, और लेकिन हाँ अभी भी काफ़ी ठंडक है यहाँ पे पहले के मुकाबले। हवा बहुत तेज़ चल रही है। और ये देखिए गाइज अब हम लोग यहाँ से, मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे की तरफ। लक्ष्मण झूला है जहाँ पे, उसे भी विज़िट करेंगे आज, और उसके बाद में फिर आगे की तरफ देखते हैं कि कहाँ पर जाना होता है। अभी मैं राम झूला से निकल रहा हूँ। ये देखिए सामने, और अब आगे के लिए चलते हैं लक्ष्मण झूले की तरफ। फिर उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा बना हुआ है, क्या है। ये है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का बहुत ही फेमस प्लेस, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाला प्लेस, क्योंकि यहाँ पर होती है शाम में गंगा नदी की आरती। और त्रिवेणी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं। आप देख सकते हैं सामने शिव जी की मूर्ति स्थापित है, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं आई लव माँ गंगा। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है। यहाँ पर रोज़ाना शाम में तकरीबन 6:30 के आसपास आरती होती है, जो कि यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस आरतियों में से एक है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाला प्लेस है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है, क्राउड बहुत रहता है। स्पिरिचुअल वे के हिसाब से ये बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। रोज़ाना यहाँ पर लाखों लोग, श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नान करते हैं।
गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड पे और अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का। मैं वेट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंटिन्यू बसें आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक। ये है नेपाली फार्म, यहाँ से आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं सीधे, हरिद्वार के लिए भी यहाँ से आपको सीधे मिल जाती हैं।